वेलकम बैक टू क्लासेस ऑफ प्लानिंग योर राहुल शर्मा यू पैनगे वेर आज की क्लास में करने वाले हम करने वाले डायरी एंट्री। व्हाट इज अ डायरी एंट्री, कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका। काफी सारे स्टूडेंट डायरी एंट्री को लेकर काफी सारे सर इधर से ना थोड़े कंफ्यूज है। तो यहाँ डायरी एंट्री है क्या, कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होगा। डायरी एंट्री सबसे पहला क्वेश्चन होता है डायरी एंट्री लिख किसके लिए, फॉर हुम यू आर राइटिंग अ डायरी एंट्री। पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता है किसके लिखते हैं डायरी एंट्री, अपने लिए। फर्स्ट थिंग दैट वी डू राइट ऑन डायरी एंट्री फॉर आवर सेल्फ, अपने लिए। जब अपने लिए हो तो भाई मैं कोई फॉर्मल नहीं हूँ, पहले के लिए ना यहाँ पे पहली चीज क्लियर होती है वो होती है दैट यू नीड नॉट बी फॉर्मल व्हाइल राइटिंग डायरी एंट्री, यू नीड टू यूज द इनफॉर्मल राइटिंग। यस दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इनफॉर्मल राइटिंग, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो डायरी किसके लिखना है, अपने लिए। तो अपने लिए तो मैं इनफॉर्मल राइटिंग की बात कर रहा हूँ। यस आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी सॉर्ट ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज। सेकंड, डायरी का क्या एक फॉर्मेट होता है। यस वी हैव फॉर्मेट ऑफ डायरी, अब फॉर्मेट हमें आना चाहिए। सो शुरू करते हैं, डेट डे टाइम, रिपीट हमेशा एक फॉर्मेट होना चाहिए, डेट डे टाइम। आपने इसको फॉलो करना है, आपने डेट लिखी, आपने डेट लिख दिया, आपने टाइम को मेंशन किया, देन यू कैन गिव अ स्पेस, स्पेस देने के बाद आप सैल्यूटेशन लिख दो। सैल्यूटेशन, सो व्हाट इज अ सैल्यूटेशन, डियर डायरी, ऑनेस्टली आई वांट डियर डायरी, मेरी नाम, मेरी प्यारी, मेरी प्यारी, जो भी है यार आप लिख सकते हो यार। आपने डायरी का नाम दिया, आपने तो ये मैं डायरी का नाम दिया, मैं मेरे को नाम बहुत पसंद है, क्या नाम है मेरे को, मैं नाम दे दूँ देखो, तो मेरी डायरी नाम है निकू, मैं निकू लिख देता हूँ, कुछ गलत तो नहीं, अरे गलत है तो कोई दिक्कत नहीं, तो मां नाम तो निकू है तो अच्छा नाम है, तो आप लिख सकते। तो आपने कहा फर्स्ट दैट आई नीड टू गो डेट डे टाइम एंड निकू मींस मैं सैल्यूटेशन लिख रहा हूँ, डियर डायरी। इसके बाद आता हूँ बॉडी के ऊपर, से बॉडी ही सब कुछ होगी। देखो दिस बॉडी इज एक्चुअली एवरीथिंग, अब ये बॉडी है क्या, इस पे काम कैसे करते हैं, आई कम टू इट। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहो तो आप एक एडिशनल चीज दे सकते हो, हेडिंग, एक एडिशनल चीज दे सकते हो, उसका मतलब हेडिंग। ये हेडिंग पे आपने काम करना, ये हेडिंग मैंने अभी बच्चों बैठे हैं यहाँ पे मेरी क्लास के, इनका सर हमें डायरी एंट्री नहीं आता, डोंट नो डायरी परफेक्ट पे, तो इसके लिए वीडियो भी बनाओ, मैंने कहा जी वीडियो बनाते हैं हाँ भी मिलते भाई, मैंने कहा यार ये डायरी भी दी, डायरी के लिए मैंने हेडिंग डाल दी, हेडिंग मेट विद एन ओल्ड फ्रेंड, टाइटल यही था आपका, Met with an old friend, मैंने heading दे दी। जरूरी नहीं है that I'm going to write my heading in each and every diary, जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको English को seriously बहुत अच्छा करना है, तो daily diary लिखो यार, daily। आज से बना लो आज कि daily diary लिखनी, रात को सोते हो, कल सुबह मत लिखना, आज रात को सोते हो diary लिखो। तो heading, उसके आगे body, body के बाद last में आपका नाम, your name. And that's an end of road. Yes, that's an end of road. यहाँ कहानी खत्म हो गई। सर एक्चुअल पार्ट तो आपने बताया नहीं, जो मेन था वो तो मैं लिखना ही नहीं आया अभी, तो मैं बताता हूँ कौन सा भाग हूँ। आपने कहा जब बॉडी शुरू करते ना तो नरेटिव होता, क्या होना, मैं मुझे राइटिंग डायरी नरेटिव, नरेटिव फर्स्ट पर्सन नरेटिव होता बच्चा, आई रिपीट इट्स अ फर्स्ट पर्सन नरेटिव, ये फर्स्ट पर्सन नरेटिव टॉपिक है। सर फर्स्ट पर्सन क्योंकि मैं अपने बारे में लिख रहा हूँ, I'm writing diary for myself. Yes, when I'm writing diary for myself, I need to be narrative. मैं चीजों define करता हूँ। तो yes, इसमें क्या लिखेंगे सर? Past simple में लिख सकता हूँ, present perfect में लिख सकता हूँ। I can write now. Past simple, present perfect. Present perfect action just finished, जो अभी भी हुआ। या past simple जो हो चुका है। इनमें लिखा जाता है diary को। I repeat, इनमें लिखा जाता है diary को। Diary do tell you about the events that had just taken place in your life. जो अभी आपकी लाइफ में हुए होते हैं आप उनको शेयर करते हैं। एंड सॉरी टू से बट यू नीड नॉट टू हाइड एनीथिंग व्हाइल राइटिंग डायरी, आप सब कुछ लिखते हो। तो डायरी का मतलब हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, हर चीज को डिफाइन करना, वो चीज को एक्सप्लेन करना इन डिटेल। इट वॉज अ फैंटास्टिक डे, इट वॉज अ डे आपने, या इट वॉज अ फैंटास्टिक डे बिकॉज टूडे आई मेट विद माई ओल्ड फ्रेंड while I was out with my friends, with my school friends, okay, I accidentally saw Nitin over there. Yeah, he was my school friend, yeah. Okay, seriously, I need to mention that. We both have spent a whole day, honestly, we both have spent a whole day and remember all the flashbacks.
ऑल द फ्लैशबैक्स ऑफ स्कूल डेज, तो आपके दिमाग में कई चीजें आती है जिनको हाईलाइट कर देगा, वो सब आपकी डायरी में होनी चाहिए। डायरी तो तीन चीजें हमेशा याद रखना, बिगिनिंग, कंटेंट और एंड। आपकी डायरी में तीनों चीजें होनी चाहिए, बिगिनिंग, कंटेंट एंड एंड। बिगिनिंग हाउ आई एम स्टार्ट, कंटेंट मैं उसमें क्या क्या देने वाला हूं, व्हाट आई एम गोइंग टू पुट इन इट। मेरे पॉइंट बहुत क्लियर होने चाहिए। आई नीड टू वेरी क्रिस्टल क्लियर व्हाइल राइटिंग माय डायरी बिकॉज आई नो दैट व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद माय डायरी। तो मैं बहुत क्लियर होऊंगा कि मुझे ये चीजें लिखनी, तो कंटेंट एंड एक पॉजिटिव नोट के साथ मैं उसको एंड करूंगा कंक्लूसिव वे में। आप जैसे उसे कंक्लूजन देते ना, लास्ट में कंक्लूजन ड्रॉ करते हो, ये चीजें हैं जिनको आपने फॉलो अप करना है। तो दोबारा से छोटा फ्रेशबैक लिखता है हमारे पास सर डायरी पे, लिए पहला कॉन्सेप्ट था लैंग्वेज इनफॉर्मल रहेगी, किस तरह फॉर्मल लैंग्वेज यूज नहीं करनी आपने। आप डेट डेट टाइम डिफाइन करोगे, आप डायरी का नाम रखो, जब सेलिब्रेशन बोल दो या कोई नाम दे दोगे, आप हेडिंग अगर आप चाहो तो आप दे सकते हो डायरी। उसके बाद आप कंटेंट शुरू करोगे, बॉडी के अंदर तीन पार्ट करेंगे आप, बिगिनिंग, कंटेंट और एंड, देन यू नीड टू गो विद द नेम। ये है वो फॉर्मेट जो आप वो डायरी के लिए फॉलो करें। एक वो सोशल सॉल्यूशन देता हूं आपको, सबके लिए बहुत काम है। परफेक्शन चाहिए ना, तो क्या करो, मैक्सिमम सॉल्यूशंस रीड करो। मार्केट में बहुत सारी हेल्प बुक्स आती है, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, बहुत सारी हेल्प बुक्स आती है जिसमें डायरीज लिखी होती है। नहीं तो प्लीज टाइप ऑन गूगल, आपको 50-60 एग्जाम्पल मिल जाएंगे डायरी में, सीरियसली 50-60 एग्जाम्पल कम से कम मिलेंगे। उनको रीड करो, द मोर यू रीड द मोर यू क्लियर, एंड द मोर यू क्लियर यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट। यही तो चाहिए आप, और तो कुछ नहीं चाहिए। इन पे काम करो, कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताओ कि सर ये चीज नहीं हो रही, तो आई विल कम अप विद अ वीडियो फॉर यू। आई होप यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया डायरी के। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय।